अभी एक बेहतरीन सिंगर की तरह जाने जाने वाले राहुल वैद्य, जिनका सफर जो है सिंगिंग का, उसको देखकर कोई भी इंस्पायर हो सकता है, ने एक बार खाई थी सोनू निगम और अनु मलिक की जमकर डांट। क्या है ये पूरी खबर, चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। बहुत से लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि राहुल वैद्य के सफर की शुरुआत एक्चुअली इंडियन आइडल से हुई थी। जी हाँ, इंडियन आइडल के फर्स्ट ही सीजन में राहुल वैद्य शामिल हुए थे और सेकंड रनर अप की तरह उन्होंने अपनी जर्नी खत्म की थी। लेकिन राहुल वैद्य की जर्नी इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं रही थी जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रही होगी। उनका जो पहला गाना था वो इतना बेहतरीन था कि जजेस ने उनसे काफी सारी एक्सपेक्टेशंस रख ली थी और धीरे धीरे जो है वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल तहस नहस होती जा रही थी, जब राहुल वैद्य के सॉन्ग्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह पा रही थी जितनी उनकी फर्स्ट सॉन्ग की थी। जब उनका ये फोर्थ या फिफ्थ परफॉर्मेंस था, तब अनु मलिक और सोनू निगम ने लगाई थी उनकी जमकर डांट, जब उन्होंने गाया था प्रिटी वुमन गाना कल हो ना हो से। उस गाने को लेकर सोनू ने कहा था कि आप बद से बदतर होते जा रहे हैं हर परफॉर्मेंस के साथ और समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। पहली परफॉर्मेंस में आप इतने बेहतरीन थे, उसके बाद आपने थोड़ा अपना क्वालिटी गिराई, फिर उसके बाद और गिराई, और कल की परफॉर्मेंस में भी आपने कुछ खास नहीं गाया और आज तो आपने बहुत ही खराब गाया। वहीं अनु मलिक ने कहा था कि आपके अंदर इतना एरोगेंस किस बात का, इतना घमंड किस बात का दिखता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस किस बात का दिखता है, आपकी शक्ल से, आपके हाव भाव से वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, आपको इस पर काम करना चाहिए। खैर, राहुल वैद्य ने किस तरीके से अपने सुरों पर, अपने परफॉर्मेंस स्किल्स पर काम किया है, ये तो हम सभी लोग देख सकते हैं कि आज वो इतने बेहतरीन सिंगर हैं। क्या कहना चाहेंगे राहुल वैद्य के सफर के बारे में, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।